नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल अमर उजाला डॉट कॉम पर। पैसा हमें कागज का नोट या फिर एक सिक्का लगता है। रोज दुनिया में नए नए शब्द या कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से आज हम बात करने वाले हैं बेहद खास चीज की, जिसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और इसे इतना तूल क्यों दे रहे हैं? सबसे खास बात यह है कि इसका फायदा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो लैटिन भाषा का शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। जबकि करेंसी भी लैटिन के करेंटिया से आया है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है, जी है, जिसे हम वर्चुअल मीडियम कहते हैं। मतलब ये ना कोई सिक्का है या ना कोई नोट जो आपकी जेब में होगा, ये होगा आपके दिमाग में और फोन में। ये करेंसी पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती। पिछले महीने RBI ने फिर एक बार कहा था कि वे भारत की खुद की क्रिप्टो करेंसी को लाने और उसके चलन को लेकर विकल्प तलाश रही है। लेकिन सवाल ये है कि इसका भारत में कैसे इस्तेमाल होगा। अच्छा, कई मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि करोड़ों लोग डिजिटल करेंसी में निवेश कर रहे हैं और महामारी के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनल एनालिसिस की तरफ से ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है। कुछ रिसर्च कहती हैं कि बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, इसके बाद रिपल, एथेरियम और बिटकॉइन कैश का नंबर आता है। क्रिप्टो रेमिटेंस के मामले में भी भारत दुनिया में नंबर वन है। पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वैसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इस सवाल का जवाब भी अब आसान हो गया है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स। ऐसे में देश में बिटकॉइन और डोजे कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में वेजरिक्स, जेपे, कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX गो के नाम शामिल हैं। इन्वेस्टर्स कॉइन बेस और बिनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बिटकॉइन, डोजे कॉइन और इथेरियम जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं। खरीदारी के ये सभी प्लेटफॉर्म 2400 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना होगा। इसके बाद अपना KYC प्रोसेस पूरा कर वॉलेट में मनी ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद आप खरीदारी कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है और इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।